गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. दिस इज आवर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट फॉर टर्म टर्म टू टू स्टडी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फॉर हॉट वाटर एंड प्लॉट द कूलिंग कर्व. ठीक है, प्लॉट द कूलिंग कर्व. तो ये लिखना स्टार्ट करिए साथ साथ. लेट अस डू दिस एक्सपेरिमेंट टुडे. फॉर्मूला यूज. See, you know, according to Newton's law of cooling, rate of loss of heat from a body is proportional to difference in temperature. मैंने आपको E लिखवाया था, rate of loss of heat को E लिखवाया था, but rate of loss of heat means heat over time, energy over time. तो उसको dQ by dT लिख देते हैं for the time being. This is according to Newton's law of cooling. Also, we know that Q is written as mc delta T or dT. Okay, Q is also related to temperature through specific heat. एक तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से हमारी स्टेटमेंट है एंड अनदर इज थ्रू स्पेसिफिक हीट फॉर्मूला ऑल्सो. डिफरेंशिएट विद टाइम बोथ साइड्स. डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद टाइम. दिस वॉज इक्वेशन नंबर वन. दिस इज आर इक्वेशन नंबर टू. सो पुट दिस डी क्यू बाई डी टी इन इक्वेशन नंबर वन. Put this dQ by dT equal to mc dT by dT in equation number 1. So in place of dQ by dT, we are putting mc dT by dT. M और C constants हैं, ये भी उधर जाके constant हो जाएंगे. So we are left with our main expression here that dT by rate of change of temperature is directly proportional to difference in temperature between system and the surrounding. ठीक है, तो यहां से हमारी टेम्परेचर टाइम की डिपेंडेंस आ रही है. ठीक है, वी गेट टेम्परेचर टाइम डिपेंडेंस फ्रॉम हियर. सो दिस यू विल राइट इन थ्योरी और फॉर्मूला यूज. ठीक है, दोनों इकट्ठा ही मैंने लिखवा दिया है. आप थ्योरी में डिटेल लिख देना और फॉर्मूला यूज में फाइनल एक्सप्रेशन लिख देना. ठीक है, आफ्टर दैट we come to diagram. Diagram you will draw from the file and then we will write the observations. Then we will write the observations. ठीक है गौरव, गरम कर दो. So then we will write the observations. First observation is surroundings temperature. मतलब रूम टेम्परेचर. सराउंडिंग्स टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर हमने टी नॉट बोला है तो वो नोट कर लेते हैं थर्मोमीटर से. सो आई एम हैविंग दिस थर्मोमीटर विद मी. सबको रीड करना आता है थर्मोमीटर. ये मर्करी का रेड सा थ्रेड आपको दिख रहा है, इसमें जहां तक वो पहुंचेगा हम उसको रीड कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द लीस्ट काउंट ऑफ दिस थर्मोमीटर. ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ थर्मोमीटर. देर आर 10 डिविजन्स, स्मॉल डिविजन्स बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस. सो 1 डिग्री सेल्सियस इज द लीस्ट काउंट. तो लिख लीजिए यहाँ पे पहले ऑब्जर्वेशन में, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, लीस्ट काउंट ऑफ थर्मोमीटर. लीस्ट काउंट ऑफ थर्मोमीटर इज 1 डिग्री सेल्सियस. तो जितनी डिविजन उतने डिग्री सेल्सियस हो गए, राइट. तो सराउंडिंग्स टेम्परेचर नोट करते हैं राइट नाउ कितना है इस टाइम पे. इट्स 10.5. इफ यू कैन लुक एट द थ्रेड, मर्करी का लेवल देखिए. तो ये मैं इसको रोटेट कर रही हूं जिस भी एंगल से आपको दिखे. देखिए कि ये 10 डिग्री 10.5 है, 10 से एक डिवीजन ऊपर. 10.5 नहीं फिर 11 ही हो गया है ना, तो इसको 11 लिखेंगे हम. आर यू एबल टू सी द टेम्परेचर? थ्रेड दिख रहा है मर्करी का आपको? ठीक है, दिस इज 11 डिग्री सेल्सियस. सराउंडिंग टेम्परेचर लिख लो, रीडिंग आपकी 11 डिग्री सेल्सियस. देन वी विल मेक अ टेबल हियर.
सीरियल नंबर, टाइम इन मिनट्स, स्मॉल टी, टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर, टी कैपिटल टी इन डिग्री सेल्सियस, एंड देन वी विल टेक द डिफरेंस टी माइनस टी नॉट दैट इज ऑल्सो इन डिग्री सेल्सियस. वी विल टेक 4-5 रीडिंग्स. एंड अगर आप यहाँ होते तो हम 5-6 रीडिंग ले लेते, चलो अब भी ले सकते हैं. तो लेट अस स्टार्ट टेकिंग द रीडिंग एट अबाउट 1-5 से स्टार्ट करते हैं रीडिंग लेनी, फिर 5-5 मिनट के बाद हम रीडिंग लेते जाएंगे. 5-5 ज्यादा हो जाएगा, 2-2 मिनट बाद रीडिंग ले लेते हैं. तो 1:15 तक हमारी रीडिंग ली जाएंगी, राइट. सो लेट्स सी. सबसे पहले आई एम गोइंग टू पुट द थर्मोमीटर इन दिस कैलोरीमीटर वेयर हॉट वाटर इज देयर. ठीक है, ये कैलोरीमीटर है, इसमें मैंने थर्मोमीटर को रख दिया. ठीक है, अब हम इसको बाहर नहीं निकालेंगे. वी विल हैव टू टेक द रीडिंग्स व्हेन द थर्मोमीटर इज इनसाइड. तो आप देख रहे हो अभी मर्करी राइज कर रहा है. आई विल टेक द रीडिंग व्हेन इट विल स्टॉप राइजिंग. तो पहली रीडिंग में वहां पे लूंगी. अभी ये राइज कर रहा है, 90 अबव तो हो गया है. तो लेट मी सी कि ये कांस्टेंट कब होता है. तो आप अपनी वॉच देखते जाइए. 1:04 हो गए. 1:05 पे मैं फर्स्ट रीडिंग ले लेती हूँ. हाँ बस ठीक है. तो 1:04 पे पहली रीडिंग लेती हूँ. 94 डिग्री सेल्सियस था हमारा. ठीक है, गो नोटिंग द रीडिंग. 1:04 पे 94 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट किया है हमने. ठीक है, अब नेक्स्ट रीडिंग आई टेक एट 1:06. नेक्स्ट रीडिंग आई टेक एट 1:06. हमने बाहर नहीं निकालना है, बट द मेन थिंग इज कि हमने इसको बाहर नहीं निकालना है कैलोरीमीटर, क्योंकि बाहर आते आते ये कूल हो जाएगा. व्हेन इट इज इनसाइड वी हैव टू टेक द रीडिंग. सो दिस इज 1:05. 1:06 पे रीडिंग ले लेते हैं. अगर आपको इसका थ्रेड दिख रहा है तो देखिए, ये 90 से ऊपर दिखेगा आपको. 90 से ऊपर है, पर ये कूल हो रहा है अब धीरे धीरे. से नीचे जा रहा है अभी. 88 हो गया. राइट नाउ इट्स 88. ठीक है, 88 पे चला गया ये. चलिए 1:06 हो गए. रीडिंग नोट करिए, 87 डिग्री सेल्सियस. 87 डिग्री सेल्सियस. नाउ नेक्स्ट रीडिंग वी विल टेक एट 1:08. तो करना कुछ भी नहीं है, जस्ट वी हैव टेकन हॉट वाटर और उसका फिक्स इंटरवल्स के बाद हम बस टाइम नोट करते जा रहे हैं. ठीक है, 1:06 हो चुका है. अब 1:08 पे हम रीडिंग लेंगे. आफ्टर 2-2 मिनट्स वी आर गोइंग टू टेक रीडिंग. तो यू विल सी कि फर्स्ट द फॉल इन टेम्परेचर विल बी लार्ज, उसके बाद कम टेम्परेचर चेंज होना शुरू होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. कि जब डिफरेंस बिटवीन सराउंडिंग्स एंड सिस्टम लार्ज है तो लॉस ऑफ हीट क्विकली होगा, और जब वो डिफरेंस स्मॉल होता जाएगा रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी कम होता जाएगा. दिस इज जस्ट आर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. सो फ्रॉम द रीडिंग्स दिस विल बी रिफ्लेक्टेड. ठीक है, अब 1:07 हो चुके हैं. 1:08 पे लेते हैं रीडिंग. और ये 84 हो गया अभी. राइट नाउ इट्स 84 इफ यू कैन सी. ठीक,
अदरवाइज वैसे जो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट होता है वी डोंट अलाउ द लॉस ऑफ हीट, ये कवर्ड नहीं है ना, कैलोरीमीटर में प्रॉपर कवर्ड होता है, इंसुलेटेड भी होता है. आई विल शो यू सिमुलेशन ऑल्सो आफ्टर दिस. चलिए 1 8 हो रहे हैं ऑलमोस्ट, तो लेट्स बी रेडी टू टेक द रीडिंग. 81 पे आ रहा है ये धीरे धीरे. It's 1 8 now, and reading is 80 degree Celsius. 80 degree Celsius. तो देखिए पहले 7 degree का difference था, again 7 degree का difference है. अब 110 पे देखते हैं कितना difference आता है हमारे temperature में. ठीक है, 110 पे reading लेंगे. By that time I am going to share a simulator with you. ये देखिए, ये भी सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, एंड दिस इज एक्चुअल कैलोरीमीटर दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि ये कवर्ड होता है. ठीक है, ये कवर्ड होता है, एंड दिस इज द थर्मोमीटर इनसाइड, बस उतना ही स्पेस छोड़ा हुआ है कि थर्मोमीटर हो इसके अंदर, एंड दिस इज द टेम्परेचर स्केल, एंड टेम्परेचर इज वैल्यू इज ऑल्सो इंडिकेटेड हियर. टाइम आप यहाँ से देख सकते हो और टेम्परेचर यहाँ से देख सकते हो. ठीक है, तो यहाँ से भी हम शुरू कर लेते हैं इसको साथ साथ. We start with 94 degree Celsius. 93 हो गया. 94 से इसको भी start कर देते हैं. Graph भी देखो साथ साथ बनेगा, cooling curve. क्योंकि ये मतलब temperature में variation non uniform है. As I told you. When the water is very hot, it will start falling rapidly. और बाद में जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो जो rate of loss of heat भी slow हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए हमारा graph एक straight line नहीं होगा, cooling curve. That's why we call it a curve. The graph will be a curve. तो साथ साथ graph बनता जाएगा. So I'm going to start it. तो आप इससे भी reading ले सकते हो. जैसे अभी हमने स्टार्ट कर दिया 94 से, तो आप 2 मिनट बाद इसकी रीडिंग ले सकते थे कितनी हो रही है, टेम्परेचर और टाइम नोट करते थे. ये 5 मिनट हो गए, 90.8 हो गया. ठीक है, 6 मिनट हो गए, इतना टेम्परेचर हो गया, लाइक दैट. चलिए हमारे 110 हो गए, लेट अस टेक द नेक्स्ट रीडिंग. 75 डिग्री सेल्सियस, 110 पे 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में लॉस कम हो गया. पहले 7 डिग्री का था, नाउ द लॉस इज 5 डिग्री सेल्सियस. अब देखना अब और लॉस कम हो जाएगा. ठीक है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट कम होता जाएगा. अब हम 112 पे रीडिंग लेंगे. 100 से भी रीडिंग नोट कर सकते हो आप. जैसे अभी 20 मिनट होंगे, 20 मिनट के बाद कितना टेम्परेचर है वो देख लीजिए. 20 सेकेंड्स के बाद कितना टेम्परेचर है, उसके बाद कितना टेम्परेचर है, आप इस तरह से रीडिंग यहां से भी ले सकते हो. ठीक है, सो टेम्परेचर इज फॉलिंग एंड साइड बाय साइड यू कैन सी इन द सिमुलेटर ग्राफ इज आल्सो बीइंग प्लॉटेड. चलिए 111 हो गए, 112 पे वी विल टेक द नेक्स्ट रीडिंग. आफ्टर दैट जस्ट वन मोर रीडिंग एंड इट विल बी ओवर. So every Monday you will have your practical because we have 2 periods that day. And be ready for the test at 1:30. I'll be sending you the test. Okay, you will make a PDF and send to me. At 2:10, 40 minutes will be given to you. At 1:30, I'll be sending you the test. And by 2:10, you will send me the PDF. चलिए 1:11 हो गए, 12 होने वाले हैं. टेम्परेचर हमारा 72 है अभी. हाँ, 112 हो गए, 71. सो नाउ द टेम्परेचर इज 71 डिग्री सेल्सियस. अब 114 की वेट करते हैं. एट 114 लेट अस सी. आप ग्राफ देखते जाओ साथ साथ कैसा बन रहा है, इज इट अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व.
सो देन आफ्टर टेकिंग द रीडिंग्स आप नोट करिए आपने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है. चलो वो करते हैं, पहले लेट अस टेक द रीडिंग्स. It's 112. And have you noticed कि शुरू वाले टाइम में 77 डिग्री सेल्सियस का फॉल था, फिर फॉल कम हो गया 5 डिग्री का हो गया, देन द फॉल वॉज अ 4 डिग्री 75 से 71 हुआ. लेट अस सी कि अब फॉल कम हो रहा है कि कितना हो रहा है. तो एज द वॉटर इज कूलिंग द एज द टेम्परेचर डिफरेंस इज डिक्रीजिंग द लॉस ऑफ हीट इज बिकमिंग स्लोअर. ओके, लॉस ऑफ हीट इज बिकमिंग स्लोअर. 113 हो गए हैं, 114 पे वी विल टेक लास्ट रीडिंग एंड देन यू विल राइट दीज रीडिंग्स इन योर फाइल एंड गो ऑन प्रिपेयरिंग द फाइल साइड बाय साइड. ठीक है, it's 113. We'll take reading at 114. Yes, this is 114 and the reading is 68 degree Celsius. Reading is 68 degree Celsius. So the difference is still smaller. Difference ab aapka ho gaya 3 degree Celsius. Bas aur readings humne nahi lenge. That's it. तो अब ये टेबल बना लो आप और साथ साथ देखिए दिस कूलिंग कर्व वी आर ऑब्टेनिंग अ कर्व नॉट अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ वाटर इज डिफरेंट. इट इज वेरिंग इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी विद डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. तो एक बार कूलिंग कर्व थोड़ी सी बन जाए शेप देन आई विल स्टॉप शेयरिंग. फोर्टी एट पे आ गया टेम्परेचर. ठीक है, कम हो रहा है, 47 हो गया एंड आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ दैट इट इज अ कर्व. द ग्राफ इज अ कर्व नाउ. ठीक है, चलिए इसको कंप्लीट करते हैं. रीडिंग्स देख लो, टेम्परेचर डिफरेंस लिखते हैं. अब द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड 11. Let's go on writing. So difference is 83 here, 76, this is 69 and then 64, then 60 degree and then the difference is 57 degree. So this is the difference, right? T माइनस T नॉट, तो 11 मैंने माइनस कर दिया इन सब में, तो ये आ गया आपके पास. अब आप देख रहे हो कि दिस इज नॉट कॉन्स्टेंट, दिस डिफरेंस इज नॉट कॉन्स्टेंट. पहले 83 था, फिर 76, 69, तो ये कॉन्स्टेंट नहीं जा रहा. अगर कॉन्स्टेंट होता तो वी वुड हैव इमेजिन्ड अ स्ट्रेट लाइन, बट नाउ वी आर गेटिंग अ कर्व. सो आफ्टर राइटिंग द ऑब्जर्वेशंस, आपने कोई रीडिंग नहीं सॉल्व करनी, कैलकुलेशन कोई नहीं है इसमें. आफ्टर दिस वी विल जस्ट प्लॉट अ ग्राफ. सो शुड आई रब दिस, ये रब कर दूं? नोट कर लिया आपने? एक फॉर्मूला न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से आ रहा है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस, और दूसरा क्यू इज इक्वल टू एमसीटी से हमने डिवाइड किया डीटी से दोनों साइड्स को, और ये डीक्यू बाय डीटी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी. हियर वी सब्स्टिट्यूट एंड देन वी सी द डिपेंडेंस ऑफ रेट विद विच टेम्परेचर इज चेंजिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस के जो है वो मैटर करता है यहाँ पे. इफ अर्लियर व्हेन द वाटर वाज वेरी हॉट द टेम्परेचर डिफरेंस वाज वेरी लार्ज, सो द वाटर वाज फॉलिंग वेरी रैपिडली. अब जैसे जैसे डिफरेंस कम होता गया तो वाटर का जो फॉल है वो स्लो होता गया. ठीक है, उसका जो टेम्परेचर है वो कम अमाउंट से चेंज कर गया. दिस इज जस्ट सिंपल मीनिंग ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग.
ओके आई एम गोइंग टू रब दिस एंड ऑब्जर्वेशंस के बाद कैलकुलेशन नहीं है आपका, नेक्स्ट है इसके बाद ग्राफ, देन यू विल प्लॉट दिस ग्राफ बिटवीन टाइम हियर इन मिनट्स एंड टेम्परेचर हियर इन डिग्री सेल्सियस, सो यू विल गेट अ कर्व, आपकी एक कर्व आएगी, दिस कर्व इज कॉल्ड कूलिंग कर्व, आफ्टर दैट यू विल राइट द रिजल्ट, लिखिए रिजल्ट, रिजल्ट लिखिए, as time passes the temperature of hot water goes on decreasing, and a cooling curve is obtained, goes on decreasing and a cooling curve is obtained, so this is about our experiment, so Newton's law of cooling, that experiment is over, for better understanding aapko main iski video bhi show kar deti hu, pura experiment ek bar dekh lo. Newton's law of cooling. The temperature difference in any situation results from energy flow into the system or energy flow from the system to the surroundings. Newton's law of cooling explains how the temperature of a body relates to its time of cooling. It is named after the famous physicist Sir Isaac Newton. Now, let's study the relationship between temperature of a body and time as it cools by radiating heat. Principle. According to Newton's law of cooling, the rate of cooling of a hot body is directly proportional to the temperature difference between the body and its surroundings. That is, d theta by dt is directly proportional to theta minus theta zero, where d theta by dt is the rate of cooling. Theta is the mean temperature of the hot body when it cools through a certain range. Theta zero is the temperature of the surroundings. That is, d theta by dt is equal to k into theta minus theta zero, where k is the proportionality constant. That is, d theta by theta minus theta zero is equal to k into dt. Therefore, log theta minus theta zero is equal to kt plus c, where c is the constant of integration. Therefore, theta is equal to theta zero plus e raised to kt. The graph between temperature, theta, and time, t, will be an exponential curve, which is the cooling curve. Materials required: copper calorimeter, stirrer, wooden box with a clamp and stand, thermometer, stopwatch, hot water of about 80 degrees Celsius. Procedure: fill about 2/3 of the copper calorimeter containing stirrer with hot water of about 80 degrees Celsius. Place the calorimeter inside the wooden box. The space between the wooden box and calorimeter is filled with cotton to avoid heat loss. Close the wooden box with its lid. Suspend the thermometer inside the hot water and the calorimeter from the clamp and stand. Stir water continuously to make it cool uniformly. When the temperature of hot water falls to 70 degrees Celsius, start the stopwatch. Note the temperature reading every 5 minutes. Continue the time temperature observation till the temperature becomes constant.
Plot a graph between time along x-axis and temperature along y-axis. This graph is called the cooling curve. The graph is an exponential curve and it shows that the temperature falls quickly at the beginning and then slowly as the difference of temperature goes on decreasing. This verifies Newton's law of cooling. Applications. Forensic experts use Newton's law of cooling for the determination of time of death of a victim. Newton's law of cooling is used for studying how fast or what a heater cools down when it is turned off. ठीक है, तो इन्होंने 70 डिग्री सेल्सियस से लिया है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जहां से मर्जी स्टार्ट कर सकते हैं। रादर बिगिनिंग में ज्यादा अच्छा होता है, बिगिनिंग से वो एकदम से फॉल करता है और बाद में कम फॉल करता है, तो हम कोई भी पोर्शन ले सकते हैं। ठीक है, सो आई होप दिस एक्सपेरिमेंट इज क्लियर टू यू। एनी डाउट्स नाउ यू कैन कम अप विद। तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। देखो फाइनल प्रैक्टिकल तो आपके ऑफलाइन ही होने हैं, फाइनल पेपर ऑफलाइन ही होने हैं, तो इसलिए साथ साथ ये करते जाइए। एंड इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क। एक्सक्यूज मी मैम, बोलो मैम, आप वो ये लेक्चर की और मैम सेकंड लेक्चर की वीडियो अपलोड कर दोगे? व्हिच वन? एनी स्टूडेंट टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग दिस प्रैक्टिकल तो पूछ सकते हो। तो ये नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट अपना फाइल में लिख लीजिए, राइट? अपनी फाइल में लिखते जाइए सारे एक्सपेरिमेंट टर्म टू के। ऑल राइट, कुछ नहीं पूछना, नथिंग रिगार्डिंग योर टेस्ट। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क रिगार्डिंग योर टेस्ट। सिलेबस पता है ना टेस्ट का क्या है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, राइट? चलिए